दिल से जो बात निकलती है ऐसा लगती है पढ़ नहीं ताकते परवास मगर रखती है। नाजिन आज हम मौजूद हैं कॉनकॉर्डिया कॉलेज गार्डन टाउन में और आज हमारे साथ यूथ मौजूद है, आज इनसे हम बात करेंगे, इनसे अपने सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो टॉपिक ये है कि हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है, हम इतना बदहाली का शिकार क्यों हैं, बाकी कौमों से हम पीछे क्यों रह गए हैं, हमारे जो सिखाए हुए लोग वो बहुत आगे जा चुके हैं, हम इतना पीछे क्यों हैं, हमारा माशरा इतना पीछे क्यों है, इसके पीछे अदम बर्दाश्त है जो कि जहर कातिल है हमारे माशरे के लिए, या कुछ और चीज़ें हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। नाज़रीन आपका नाम सैर जी, ये बताइएगा कि हमारा माशरा इतना बदहाली का शिकार क्यों है? मजहबी दूरी की वजह से, मजहबी से दूरी की वजह से। और हम अपने एथिक्स भूल गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है पाकिस्तान में और इसी वजह से लोग सुसाइड करते हैं और ये सब इस चीज के सब जिम्मेदार हम खुद ही हैं। आपका नाम? फिर ये बताइएगा कि हमारा माशरा किस तरह जा रहा है? हमारा माशरा गुरबत की तरफ, बदहाली की तरफ जा रहा है। दूसरे मुल्क में सारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो एक तरह का सब जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनकी अच्छी होती है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्न करने वाला एक होता है, ज़्यादा खाने वाले होते हैं, इसलिए हमारे हम लोग बदहाली की तरफ जाते हैं। यानी एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं, आप इसको जिम्मेदार समझते हैं चीजों को? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सैर शुभाष है। सैर जी बताइएगा कि हम बाकी दुनिया से इतना पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि सर हमारी सोच बाकी मुल्कों से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, वो हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं और इंडिपेंडेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हैं दूसरों पे और बंदिश में रहते हैं, हमारे पे बहुत ज़्यादा तोहमतें लगाई जाती हैं, हमें बंदिश में रखा जाता है, इसीलिए जो हमारा मुल्क है वो तरक्की नहीं कर पाता, बाकी मुल्क बहुत इंडिपेंडेंटली है इसीलिए। ओके अनी बताइए हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? सर ये माशरा बदहाली की तरफ जा रहा है, इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते। हमें इस्लाम कहता है कि हम अमन ईमान कायम करें, पर हमारे मुल्क में तो बिल्कुल भी अमन ईमान नहीं है और इसका सारा क्रेडिट यही है कि ना हमारी हुकूमत हमारे पास हमारे साथ तआवुन करती है, ना फैमिलीज, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज वगैरह, जिसकी वजह से ये सारा माशरा बदहाली का शिकार है। ओके आप माशरे की तो बात कर रही हैं, लेकिन इंसान खुद को अगर चेंज करना चाहे तो मेरे ख्याल से इंसान खुद को चेंज कर सकता है, अगर वो करना चाहे तो। एक आदमी एक कौम को बदलने के लिए काफ़ी होता है। यस सर, पर यहाँ पर कोई भी अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ओके आप अपने आप को चेंज करना चाहती हैं? यस सर। कैसे चेंज लाएंगे अपने अंदर? सर अपनी फैमिलीज में ये बात फैलाकर और अपने फैमिलीज को कहकर, इस तरह ही आगे से ये सारा सिलसिला चलता है। सही, मैं समझता हूँ अगर एक आदमी अगर सोच ले, ठान ले कि उसने अपने माशरे को, अपनी कौम को बदलना है, ये हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि महातिर मोहम्मद और इस तरह के बहुत सारे ऐसे दुनिया के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदला है, चेंज किया है, तो आप अपने आप को चेंज कर सकती हैं? यस सर, अपने आप को चेंज करना है इसी तरह इंसान कर सकता है कि वो पहले खुद चेंज हो, फिर अपनी फैमिली से ये सारा सिलसिला शुरू करे और फिर आगे शुरू हो सकते हैं। ओके तो क्या बनना चाहती हैं आप लाइफ में? सर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनना चाहती हूँ, माशाल्लाह। तो उसके बाद जज बनेंगी, फिर उसके बाद लॉयर के बाद? सर अब ये तो इतना आइडिया नहीं है। सही, बस मैं लॉयर, मेरा शौक है बनने का। सही, लॉयर बन के गरीबों के भी काम आएंगी कि सिर्फ अपने पैसे के लिए लड़ेंगे आप? नो सर, गरीबों के भी काम होंगी। सही, गरीबों को ज्यादा तरजीह देंगी आप? तरजीह दूंगी। चलो माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फातिमा। फातिमा ये बताइएगा कि हमारा माशरा जो है वो इस वक्त किस तरफ जा रहा है, हम पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई का शिकार क्यों हैं, कि जहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान का नो बोर्ड लगा हुआ है कि नो एंट्री, इसकी वजूहत क्या हैं? सबसे पहले तो मैं इसको जो मैं कहना चाहूँगी वो तो मैं लीडर्स को कहूँगी कि जैसे हमारे लीडर्स हैं उनको चाहिए कि हमें गाइड करें, ठीक है, जब हमारे लीडर्स ही इसी तरह के होंगे फिर हमें भी उनसे यही होगा। और दूसरी बात ये कि जो उनसे हमारे पाकिस्तानी हैं वो दूसरे मुल्कों में क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के हालात इतने बुरे हैं।
दूसरे को दूसरे में जा इसीलिए रहे हैं कि यहाँ पे जो रह के उनके फैसिलिटीज जो उनसे पूरी नहीं होती नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो लोग दूसरी सिटीज़ में जाके दूसरी कंट्रीज में जाके जो उनसे अपना काम चला रहे हैं और अपना संभाल रहे हैं सारा कवर कर रहे हैं अपने आप को इसीलिए। ओके बिल्कुल सही कहा आपने, अपने आप को मनवाना इंसान चाहे तो मनवा सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान अपने आप को ना मनवाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। तो नाज़रीन आइए हमारे साथ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आइए नाज़रीन हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, बल्कि इन स्टूडेंट्स के एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ आके कुछ बात करें और इनसे हम पूछते हैं कि हमारा माशाल्लाह किस तरफ जा रहा है, हम अपनी इलाकी इकदार जो है उनको खो चुके हैं, इसकी वजूहत क्या है। आपका नाम? सजाद जाफरी। सजाद भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम माशरे में इतना ज़्यादा बदहाली का शिकार क्यों हैं? असल में मैं समझता हूँ हमारी कौम को अगर कोई नाम दिया जाए तो ये बेअमल मुफक्करीन और बेअमल मुबल्लिगीन मुकर्ररीन की कौम है। ये अपनी तकरीरों में, खुतबात में, बात बे बात, जगह जगह, चौक में, चौराहे में बातें तो करते हैं दूसरी कौम की खामियों के हवाले से, खूबियों के हवाले से, और इस अंदाज से बात करते हैं कि इनसे बेहतर कोई कौम नहीं और ये सबसे बेहतर है। लेकिन जो बातें ये दूसरे माशरों की खामियां ढूंढते हैं, उन पर बात करते हैं, वो इनके अपने अंदर मौजूद है और उसे दूर नहीं करते। जो खूबियां ये अपने अंदर होने का, अपने मज़हब का हिस्सा, अपने माशरे का हिस्सा होने का दावा करते हैं, उसी पर ये अमल नहीं करते। तो ये बेअमल कौम है, बस ये मजमूई भी, इनफरादी तौर पर भी हर एक की ख्वाहिश है कि मुझे घर ला कर नौकरी दे दी जाए, वो भी ऐसी कि बिना कुछ किए मिले, मैं एक ऐसा ताजर बन जाऊं कि जिसको बगैर कुछ किए सब कुछ मिल जाए। और इसी ख्वाहिश की वजह से कि ये कुछ ना करें और सब कुछ हासिल कर लें, तो ये अपने मुल्क में नाकाम होते हैं और फिर इसका हल ये निकालते हैं कि दूसरे मुल्क जाया जाए और वहाँ जाकर बैरून मुल्क में, अब्रॉड में हम लोग जो है तो पैसे अर्न करेंगे। हालांकि जितना काम ये वहाँ जाकर करते हैं और जिस तरह का काम करते हैं उससे कई आसान, कई बाइज्जत, बावकार और बहुत थोड़ा काम करके इस मुल्क में बहुत कुछ कमाया जा सकता है। ज़राए भी मौजूद है, मौके भी मौजूद है, अपने मुल्क में इज्जत है, वकार है, आज़ादी है, और लेकिन हम सब दूसरों की तरफ देख रहे हैं, कहीं हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, कुछ वालदेन की तरफ देख रहे हैं, कुछ आयजा अकरबा की तरफ, कुछ लोग जो चंदे की तरफ देख रहे हैं, कुछ मावनत, तयानत, मदद, नुसरत, इन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। कोई भी यहाँ अपने ऊपर यकीन नहीं रखता, सिर्फ बातें कर सकते हैं और अपने ऊपर ना यकीन होने की वजह से और मनफी फिक्र जो है, रवैया जो है, ये जो इनका मनफी सोच है कि सिर्फ दूसरे में खामियां ढूंढकर अपने आप को इत्मीनान देते हैं, ये इस कौम की नाकामी का सबब है। क्योंकि दूसरे की खामी तो हमारी खूबी नहीं बन सकती। हमें अगर बाइज्जत तरीके से अपने माशरे को, अपनी ज़ात को मनवाना है तो लाजमी है कि हम अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें, अपने अंदर अज़्म, हौसला, जुर्रत, इस्तेकामत और मेहनत की आदत डालें, तभी हम कामयाब होंगे। बहुत प्यारे जैसों ने बात की है और बिलीव करें कि इनकी बात में बहुत दम है कि जिस शख्स ने 40 साल में पैसे कमाए हैं, आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि वो 40 मिनट में पैसे कैसे कमाए जाएं। बड़ी प्यारी बात की जाफरी साहब ने, और आप बिलीव करें कि अमेरिकन माशरे में हम इनकी मिसाल इसलिए देते हैं, चाहे वो हमसे मज़हब में कोई और मज़हब का मज़हब है, कि वो हमारे लिए इस्लाह के इस्लाहन है, हमारे लिए वो इस्लाह हमें देनी चाहिए इन माशरों से। क्या आप देखिए कि वहाँ पर बच्चों को स्टार्ट से सिखाया जाता है, वो क्या सिखाया जाता है कि देना है, कि आपने हेल्प करनी है, आप हेल्प करें, आप मदद करें लोगों की, आपका हाथ देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं, देने वाला आपका हाथ है, आप लोगों की हेल्प करें, हेल्प आउट, जो मुश्किल में है बचपन से कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद हमारा माशाल्लाह इस तरफ जा रहा है कि वो हम लोग वो चीज़ें नहीं टीच कर पाते, नहीं बता पाते, ये हमारे माशरे का बेहसी है, मैं तो यही कहूँगा। नाज़रीन आइए हमारे साथ और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। हमजा साहब, ये बताइएगा कि हमारा माशरा जो है बदहाली का शिकार क्यों है? सर, हमारा माशरे जो सबसे पहले जो बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारे जो सियासतदान है वो उनकी लैंग्वेज जो बहुत गंदी है, हमारे ओए करके तो बात किया जाता है, और अगर देखा जाए तो
जैसे इमरान खान है, उसकी अगर आप स्पीच सुने तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह भी स्पीच दिया जाता हमारी हमारे पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। वो ओए करके किसी को बुलाता है, अगर हम किसी को बुलाए तो ओए करके थोड़ी बुलाया जाता है। और हमारे हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ के लिए जो है कि यानी कि हमारे किसी भी इंसाफ नहीं है हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ के। यानी कि अगर हमारा किसी भी कोई भी हमारा हमने किसी भी चीज के लिए इंसाफ नहीं लेना, उससे पहले हम तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। अगर आप देखा दो दिन पहले तो मुल्तान में आपने एडवोकेट के देखा वो किस चीज किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो आके एक नई अदालत को आके किस तरह तोड़ रहे थे, हमारे एक किस तरह वो नुकसान पहुंचा रहे थे। और अगर आप देखें तो पिछले रोज के एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की बस के नीचे आ गई, उसके लिए थोड़ फोड़ शुरू, आग लगा दी बस को, आग लगा देना उसके लिए, उसका हालांकि उसका ड्राइवर पकड़ा भी गया, उससे 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 उसके बारे में पूछा जाए, ना कि पूरे यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, ना उसका एहतजाज किया जाए, उससे लाखों तलबा का नुकसान होता है। पढ़ाई में हर जगह जिसकी कितनी ज़रूरत है सारी पेंडिंग पर बैठ जाती है। सही, ओके, ये हमारा माशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फेवरिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो छोटे लेवल हो या बड़ा लेवल हो, कोई जॉब हो तो हम फेवरिज्म देखते हैं, किसी का टैलेंट नहीं देखा जाता। फेवर हो या कोई रेफरेंस हो उसकी वजह से उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन टैलेंट को देख के जॉब नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोग मेरिट को नहीं देखा जाता, फेवरिज्म को देखा जाता है। Okay. उसके अलावा करप्शन छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, और हम आवाम खुद भी ऐसे हैं कि हम खुद गलत करते हैं, किसी का चलान हो जाता है। चले, मैं ही कह रहा हूं, मैं ठीक कैसे करना है, हमें बहुत सी बात करनी है आज। ठीक, हमें इस तरह करना है कि हम पहले खुद को ठीक करें, हम कानून के मुताबिक चलना सीखें। Good. अगर हम खुद सही हो जाएंगे तो हमारे कुरान भी सही, तो आवाज से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। पक्का वादा? पक्का वादा। गुड, वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजाहिद। मुजाहिद सर, ये बताइएगा कि हम इस माशरे के अंदर इस काबिल हैं कि इस माशरे में हम रह सकें? जी, इस माशरे में हम रह सकें ये तो कहते हैं, क्योंकि सर ने बड़ी सी बात की कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं इस मुल्क से बाहर निकल जाऊं और पैसा कमाऊं, बस ऐसे करूं। ये हमारे माशरे का अलमिया है बहुत बड़ा। सर, सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे मुल्क में भाईचारा नहीं, आपस में मोहब्बत नहीं है। अगर हम एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे तो ज्यादा हम अपने मुल्क को यानी ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगर हम इस तरह निकलेंगे, उन्हें देखें जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो तो देखें, हम हम पर जो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, हम अगर वो कुरान की शरीयत वगैरह को देख के चलें, उन पर अमल करें, तो हम भी एक अच्छे अपने मुल्क को ऊपर लेकर आ सकते हैं। नाज़िल, आज हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं इस हवाले से, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि 2014 में एक तालीमी एमरजेंसी नाफज़ की गई थी, जिसमें कहा यह गया था कि तमाम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री तलीम दी जाएगी। लेकिन आप देखें, अगर आप रावी किनारे चले जाएं तो वहाँ पे आपको कई ऐसे हज़ारों बच्चे मिलेंगे, वहाँ पे कच्ची बस्तियाँ आबाद हैं, वहाँ पे लोग आपको मेरे बच्चे मिलेंगे जिनके पाँव में जूता तक नहीं है। तालीम तो बहुत दूर की बात है, और पाकिस्तान वो कंट्री है, वो मुल्क है जो फ्रेश डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स तैयार करता है और दुनिया में बरामद करता है, बाहर के मुल्कों में सॉरी दरामद करता है, भेजता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हमारा कंट्री है, हम किस तरफ जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम। आपका नाम? हरुण। ये बताइएगा कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? सर, वो बदहाली की तरफ जा रहा है। उसका जो एक इशू है वो तलीम, एजुकेशन। सर, जो अगर हम चले जाएँ छोटे छोटे मोहल्लों में चले जाएँ, तो हम खाना कहीं चले जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चे रखे हुए, छोटू ये दी, छोटू वो दी यार, तो इसी तरह सर वो उनको पढ़ाना चाहिए, उनके माँ बाप को पढ़ाना चाहिए, तो वो इस तरह उनसे काम ले। हल बताइए, हल क्या है, आप किस तरह बताइए हम क्या करें? सर, वो उन छोटे बच्चों को चाहिए कि उनको पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, तलीम मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बेहतर हो सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उबैर। ये बताइएगा कि हम लोग बदहाली का शिकार क्यों हैं? क्योंकि हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम इसमें इस्लाम के उसको फॉलो करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, जिसकी वजह से हमें हमारे मुल्क के अंदर जो गुरबत है वो ख़त्म होगी और हमारा मुल्क जिस पोजीशन पे है उसे उस पोजीशन से बहुत ऊपर आएगा। तो क्या करें इसके अलावा और कुछ? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि पहले हमारे अंदर जो खामियां हम उसको ख़त्म करें,
और फिर आप दूसरे लोगों को तरकीब भी कर सकते हैं कि उनके अंदर ये काबिल पहले अपने आप को ख़त्म करेंगे तो काबिल के लोगों को भी आप ख़त्म करने के लिए कहेंगे। ओके सलाम, आपका नाम? बुकार अमीर। बुकार, ये बताइएगा कि हमारा जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है? हमारा माशरा जो है इस वक्त वो बदहाली का शिकार है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके को काम करें, उसके बाद जो है हम अच्छे कामों में हिस्सा लिया करें, नए कामों में किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी अंधे को सड़क पार करवा दें, ये काम हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक ये हम खुद नहीं करेंगे कोई भी बाहर वाला आके हमें इस बारे में नहीं बताएगा, तो जब ये चीज़ आम हो जाएगी तो हमारा माशरा भी इसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ओके सामिर, आपका नाम? शेर अली। बताइएगा कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और हमें इसका हल बताना है आपने। हमारे पास हम माशरे की तो बड़ी बुराइयाँ कर चुके हैं, अब हमें ये करना है कि हमें करें क्या, ऐसा क्या करें कि हमें कुछ हमारा माशरा बेहतरी की जानिब गामजन हो जाए। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अपने यहाँ कोई पहचान नहीं है। ओके, आप माशरा कह रहे हैं लेकिन ये माशरा हमारा अपना नहीं है, हम अपनी तहजीब। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हमने खुद साख्ता नजरिया बनाया अपना, जरूरिया नजरिया जरूरत कहते हैं उसको, हम लोग हर काम को अपना नजरिया बना लेते हैं जरूरत को। सर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सही है। हम ज़्यादातर दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरे कल्चर को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये बात हिस्ट्री में जो है प्रूफ है कि जब भी कोई कौम अपनी क्या कहते हैं सकाफत को या अपनी तहजीब को छोड़ के दूसरों को अपनाती है तो वो नीचे तो जाती जाती है, वो ख़त्म भी हो जाती है। तो हल बहुत है, लेकिन सबसे कॉमन मैं ये कहना चाहूँगा कि झूठ बहुत आम है हमारे में। अगर हम झूठ बोलना कर दें, मतलब ख़त्म कर दें, तो यकीन माने कई काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ झूठ शुरू होती है। आपको ने किसी ने आपके काम किया कहा और आपने नहीं किया, लेकिन आप उसका जी हो गया है यहाँ, लेकिन अगर वो झूठ ना बोलता तो कहते सर गलती हो गई, मैं अंदर से नहीं करूँगा, मतलब जल्दी कर देता हूँ, एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से बेसिकली मेन चीज़ ये है कि हमें झूठ छोड़ना चाहिए। हज़रत अली सल्लम ने फरमाया कि झूठ छोड़ दो अपनी बाकी आदतें अपने आप होगी छूट जाएंगे। आपका नाम? जहान जी। जहाँ जी, बताइएगा हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और हमें इसका हल देना है, आपने करना क्या है, आज से स्टार्ट क्या करेंगे? सर, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, हमने अमीरों को तो यानी गरीबों पे तो कानून हम लागू करते हैं लेकिन अमीरों पे नहीं कानून लागू करते। जैसे भाई ने अभी बात की झूठ, झूठ सारी बुराइयों की जड़, अगर हम झूठ ख़त्म कर देंगे हमारा माशरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ओके नाज़रीन, आपने तमाम लोगों के स्टूडेंट्स की और हमारे साथ एक हमारे मोहतरम टीचर भी मौजूद हैं, उनसे सारी चीज़ें उन्होंने बहुत प्यारी बातें की हैं। नाज़रीन, सारे लुबे लबाब सारी बातों का यही है कि लेम एक्सक्यूजेस हमें नहीं देने चाहिए क्योंकि कामयाब शख्स के पास सिर्फ होता है कि उसने काम करना है, उसने कामयाब होना है, लेकिन जो होता है लूज़र होता है उसके पास सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ, ये वजूहत थी मेरे नाकाम होने की, ये वजूहत थी। जो कामयाब होता है वो इंसान क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने तय किया होता है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में पहुँचना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, हमें इस माशरे के लिए बहुत कुछ करना है। और यकीन करें नाज़रीन, ये यूथ जो है एटम बॉम्ब है, अगर इस एटम बॉम्ब को हमने सही तरह से यूज़ ना किया, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ ना किया, तो ये बम बन जाएगा और हम इसमें तमाम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे इस माशरे के अंदर रहते हुए। खुदारा इस यूथ को बचाइए अपने लिए, हमारे लिए, इस कौम के लिए, क्योंकि कायद अजम ने एक ही नज़रिया बताया था, एक नज़रिया था हमारा इस मुसलमान मुल्क को लेने के लिए, उन्होंने अपना नज़रिया बताया था कि हमें एक मुल्क चाहिए, तो काइंडली इस कंट्री को अपना समझिए, हर चीज़ को अपनी तरह अपने अपने अंदाज़ में इसको कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, हमारा माशरा बेहतरी की जान गामजन हो। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इस शेर पर, जो अपना काफिला अज़म व यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज ज़मीन से निकलेगा, ऐ ज़मीन मुझे एड़ियाँ डगरने दे, मुझे मत रोक, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप अभी हमने बहुत से इंटरव्यूज किए हैं, उसके बाद से हमारे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल इस कॉलेज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारा जो माशरा है वो बदहाली का शिकार क्यों है, हम बाकी कौमों से पीछे क्यों रह गए हैं, इसकी बेसिक वजूहत क्या हैं और हमें उनका हल भी चाहिए। इनसे आए, इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि आजकल हम बहैसियत एक कौम ही एक माशरा अगर हम देख लें तो माशरा भी हमारा पीछे चल रहा है, हमारा
قوم بحیثیت ہے قوم بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے اسلامی اقدار سے ایک تو ہماری دوری ہے دوسرا اگر بینگ ایز ایجوکیشنسٹ سر میں آپ کو بتاؤں تو میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسرچ پریکٹیکل ان چیزوں پہ نہیں جا رہا ہم صرف ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں جب آپ ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں اس پہ آگے تحقیق نہیں کرتے تو وہ جو دوسرے معاشرے ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی بھی آپ سے آگے چلے جاتے ہیں آپ سے سپیریئر ہو جاتے ہیں ساتھ میں اگر ہم مورل ویلیوز کی بات کریں تو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں دوسری نیشنلٹیز کو ہمارا جو اپنا ایک رچ کلچر ہے وہ کلچر جو ہے وہ ہم نے یا تو اس میں ہم پیرنٹس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کا بڑا کردار ہوتا ہے ٹیچرس کا بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم کردار سازی کریں اپنے بچوں کی اپنے قوم کی تو لہٰذا ہم نے ان معاشرے کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنا ہے تو ہم مختلف فرنٹ پہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ اکنامیکل سائڈ اگر ہم لے سائڈ اس کے ساتھ ہم یہ دوسری سائڈ لے جائیں تو ایجوکیشن کی سائڈ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر لاٹ آف فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیوں لیگ کر رہا ہے ایک چیز میں زیادہ بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے تو اس کا حل بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے اس کا اس کا حل میں سمپل یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن سیٹ اپ میں ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہر ایک ادارے میں ایک موٹیویٹر ہونا چاہیے ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے جو کہ کاؤنسلنگ کرے ساتھ میں ہمیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی بلا کے ان کی تھوڑی سی وہ کرنی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرنی چاہیے ایگزیکٹلی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو کس طرح ایک چیز سمجھانی ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم ان کے ساتھ بس صرف ڈگریز اور نمبرز اور ان کی گیم لگی ہوتی ہے کہ چلے آپ نے کالج کو مختلف ایسے ادارے ہیں جس میں ہم ان کو ایک جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر کوکر ٹائپ بنا رہے ہیں ہم ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بیٹے آپ نے 95.4% پچھلی دفعہ آپ کے 96% تھے اب یہ آپ کا اتنا یہ پوائنٹس میں آپ کیوں پیچھے آ گئے ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹے آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے کیونکہ آپ نے آگے جا کے سوسائٹی میں انٹر ہونا ہے چونکہ جب ہم وہ سوسائٹی میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے کسی کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایک بندہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے چونکہ میں نے معاشرے کو ایک ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے اگر انسٹیٹیوشن ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے اگر بچہ نکلتا ہے معاشرے میں جاتا ہے تو وہ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی تربیت کی ہے ان کی اور اگر فیملی سے چونکہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بچہ یونیورسٹی کالج میں رہتا ہے اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے تقریباً 18 to 19 hours وہ اپنے گھر میں گزارتا ہے تو دو طرح اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے دو والدین ہوتے ہیں روحانی والدین اور ریئل پیرنٹس اگر ہم ریئل پیرنٹس اور اسپریچول پیرنٹس مل کے ان کی فیوچر کو ڈیزائن کر لیں اور پہلے ہم خود جو ہوں وہ ایجوکیٹ ہوں اس چیز کی ایجوکیشن ہمیں ہو ہم سائیکالوجیکلی ان کو ڈیل کر سکے ہم ان کو اتنا موٹیویٹ کر سکے کہ وہ معاشرے میں جا کے ایک اچھا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھا کردار بھی پلے کر سکتے ہیں سو آئی تھنک دس از دا اونلی ون وے کہ ہم جا کے اپنے معاشرے میں جو ہے وہ چینج لا سکتے ہیں ہم نیوز 6 چینل کے انتہائی مشہور ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ ہم مطلب کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں سو تھینک یو 6 نیوز تھینک یو ناظر ہم موجود ہیں کونکورڈیا کالج میں تمام ٹیچرز سے اور اسٹوڈنٹس سے ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن رہا ہے ان سے ہم نے ان کے خیالات پوچھے ہیں اب ہمارے پاس اس کالج کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آفتاب صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کے بارے میں اپنے معاشرے کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم اپنی دوسری قوموں سے کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں کی نسبت تنزلی یا لیگنگ بیہائنڈ کیوں ہے اس میں اگر ہم تھوڑے سے انالیسس کریں تو بہت سارے فیکٹرز اس میں شامل ہیں جس میں بنیادی چیز تعلیم کا نہ ہونا یا فائدہ مند تعلیم کا نہ ہونا ہے تعلیم سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف آدمی دور حاضر کے مطابق اپنے آپ کو ایکوپڈ کرے بلکہ اپنے اقدار کو بھی بہتر کرے اپنے اخلاقیات کو بھی بہتر کرے ہمارے پاس آج کل نمبروں کی دوڑ تو ہے لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹس نہیں ہیں
मेरे पास यहाँ पे कॉलेज में 90% 95% वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन जब उनसे बेसिक क्वेश्चन किया जाता है मैथमेटिक्स का, बोर्ड मैथ्स रूल का, तो उनके पास उसका भी जवाब नहीं होता। तो ये चीज साबित करती है कि सिर्फ रट्टा है और सही कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इसके साथ साथ टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर की सेंस में है कि आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, बच्चे को समझ में आए या ना आए आप उसको याद करवा दें, वो रीप्रोड्यूस कर दे, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर कर दे, दैट्स इट। इसके अलावा आपने उसकी अखलाकी तरबियत बिल्कुल नहीं करनी, या अगर बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं भी तो डिस्कस नहीं करने, जरूरत ही नहीं है, पेरेंट्स नाराज होते हैं। ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जिसने मिल के हमारे मुआशरे का ये हाल कर दिया। एजुकेटेड पर्सन लिखने पढ़ने वाला नहीं होता, बल्कि एजुकेटेड वो होता है जिससे मुआशरे को बेनिफिट हो, जिससे उसके नेबर्स को बेनिफिट हो, जिससे उसके कोलीग्स को बेनिफिट हो, जिससे उससे उसके साथ रास्ते पे चलने वाले को बेनिफिट हो। अफसोस की बात यह है कि हम ये इकदार नहीं दे सके, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 हमारा मुआशरा इस हालत का शिकार है। चार सवाल याद करके, पांच सवाल याद करके हम 100 में से 100 नंबर ले आते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी उस बच्चे ने? इसका जवाब आपके पास खुद है जब आपके दाएं बाएं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा बहुत कुछ करते नजर आएंगे। डॉक्टर्स जो है वो बजाय इसके कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में नजर आए, वो अपने अपने मेडिसिन के बिजनेस करते नजर आएंगे, और इंजीनियर्स जो है वो बर्गर की दुकानों पे नजर आएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद सिर्फ और सिर्फ सही एजुकेशन ना देने की वजह से अपने माशरे का ये हाल कर दिया। और कोई सवाल? बस मैंने यही आपसे पूछना था, इसका हल बताइएगा, इसका हल हम करें तो करें क्या? इसका बड़ा सिंपल सा हल है। सबसे पहली जो चीज है वो है इक्वालिटी। हमने अपने सिलेबस को बेहतर बना ले, दौरे हाजिर के मुताबिक बना ले। मुझे मैं कॉमर्स की एक बुक देख रहा था जो कि शायद 1979 में 82 में प्रिंट हुई थी, और वही सिलेबस आज तक चल रहा है, यानी तकरीबन 30 साल गुजरने के बावजूद उसमें चेंज नहीं आया। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च का एलिमेंट लेके आना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट लेके आना चाहिए, बजाय इसके कि 5 सवाल 10 सवाल 20 सवाल याद करें और उसको रिप्रोड्यूस कर दिए जाए। ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, स्टूडेंट को सोचने का मौका नहीं मिलेगा, उसको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, हम नई जनरेशन जो है वो बेहतर जनरेशन नहीं बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम के अख्ताम पे न्यूज 6 का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, और इसको आते रहना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहना चाहिए, ताकि हम मिल के अपने मुआशरे के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें। राइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।